Assalamualaikum, आप न्यूज़ में खुश आमदेद. मैं हूँ मरीम जफ़र. सबसे पहले आपकी हेडलाइंस. सख्त सर्दी की लहर, बर्फबारी के बाद बलाई इलाकों में सर्द हवाओं का राज. स्कर्दू सबसे ठंडा मकाम, पारा -18 तक गिर गया. कोयटा का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड. पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी खून जमा देने वाली सर्दी. लाहौर 4, कराची का दर्जा हरारत 9 रिकॉर्ड किया गया. शदीद सर्दी में बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? कराची के कई प्राइवेट स्कूलों ने मौसम सरमा की छुट्टियों में 6 जनवरी तक तौसी कर दी. सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ सख्त सर्दी के बायस बच्चों की हाजिरी ना होने के बराबर. हुकूमत का नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा. पेट्रोल 2.61 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.25 रुपये फी लीटर इजाफा. मिट्टी का तेल 3.10 रुपये फी लीटर महंगा हो गया. एलपीजी के दाम भी फी किलो 23.54 रुपये बढ़ गए. कौमी असम्बली का इजलास आज सुपहर 4 बजे होगा. 8 निकाती एजेंडा जारी. नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल नहीं. अपोजिशन का सदारती ऑर्डिनेंस पर एहतजाज का प्लान. इजलास से कबल वफाकी काबीना का हंगामी इजलास भी तलब. जस्टिस मामूनुर रशीद ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की हैसियत से हलफ उठा लिया. गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने जस्टिस मामूनुर रशीद से हलफ लिया. अदालत पहुंचने पर नए चीफ जस्टिस का शानदार इस्तकबाल किया गया. बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस. पीआईए की 2 परवाजें मुसाफिरों को पाकिस्तान ले आईं, सामान दुबई छोड़ आईं. मुसाफिरों का एहतजाज, एफआईए काउंटर के सामने धरना दे दिया. और 2020 में अमरीकी सदर ट्रंप की पहली धमकी. ट्विटर पैगाम में कहा, इराक में अमरीकी सफारतखाने पर हमला ईरान ने कराया. ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी. ये थी आपकी हेडलाइंस. न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही. मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आप न्यूज़.